ठीक है, तो नेक्स्ट इज हम लोगों ने ये देखा कि हाँ इसमें दो प्रोसेस होते हैं बेसिकली आइसोथर्मल, और दो प्रोसेस होते हैं एडियाबेटिक, और उसमें भी दो प्रोसेस क्या होते हैं, कंप्रेशन वाले और दो प्रोसेस एक्सपांशन वाले, और तभी जा करके मुझे साइक्लिक प्रोसेस मिलता है। तो साइक्लिक प्रोसेस को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि हमें एक सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने किसी भी चीज को एक्सपांड कर दिया, अब कंप्रेशन कराने के लिए किसी आदमी की जरूरत पड़ रही है, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। वो खुद ही खुद हर एक काम करते जाए, एक बार मैंने इंजन स्टार्ट कर दिया तो वो स्टार्ट हो गया, चलते रहे चलते रहे चलते रहे। तो इसीलिए एक साइक्लिक प्रोसेस की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। अगर साइक्लिक नहीं होगा तो वो फिर कभी भी प्रोसेस ढंग से या फिर इंजन नहीं बन पाएगा, वो काम नहीं हो पाएगा। तो इसमें क्या किया गया, जैसे देखो मैं बताता हूँ, मान लो कि एक पिस्टन है, ठीक है, इसको पिस्टन के तरह के समझो, और इस जगह पे पिस्टन लगाया मैंने, एक मिनट थोड़ा नीचे बनाना पड़ेगा, ये हमारा पिस्टन है बराबर, और इस पिस्टन के अंदर एक गैस था, चैम्बर था और एक गैस था, ये हमारा गैस है। तो मैं बेसिकली मैकेनिज्म बता रहा हूं, और ये इस तरीके से अटैच्ड है एक रॉड से, और ये व्हील लगा हुआ है, ठीक है, व्हील के साथ ये चीज को अटैच कर दिया मैंने। तो जैसे जैसे ये रॉड मूव करेगा उसके हिसाब से ये व्हील भी मूव कर सकता है। तो मैंने क्या करा, फर्स्ट इसका मुझे एक्सपांशन कराना है ना, तो किस तरीके से एक्सपांशन कराया, मैंने इसको आइसोथर्मल एक्सपांशन दिया। सबसे पहले मैंने क्या करा, इस जगह पे हीट करा, इस चीज को मैंने हीट करा। तो हीट करने के लिए मैंने क्या करा, एक बड़ा सा हॉट रिजर्वर लगाया, दिस इज हॉट रिजर्वर। जनरली ये बताया नहीं जाता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है और काम का नहीं होता है, तो फिर थोड़ा मैं इसको जल्दी लेके चलूंगा। हॉट रिजर्वर है, हॉट रिजर्वर का मतलब क्या होता है, बोलो, हॉट रिजर्वर का मतलब क्या होता है, और इसका टेम्परेचर को मैं TH बोल लेता हूँ। हॉट रिजर्वर का मतलब ये होता है कि कोई एक बड़ा सा कंटेनर जिसमें से तुम थोड़ा सा अमाउंट ऑफ एनर्जी निकाल भी लो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसे हम लोग हॉट रिजर्वर बोलते हैं। जैसे कि समुद्र है, उसमें से तुम एक गिलास पानी भी निकाल लो, एक मग पानी भी निकाल लो, तो भी वो कम नहीं होने वाला है। समझ में आया क्या? तो ऐसा हॉट रिजर्वर कैसे बनाया जा सकता है सर, ऐसा हॉट रिजर्वर बनाया जा सकता है क्या? बिल्कुल बनाया जा सकता है। जैसे कि मैं तुम्हारे थिंकिंग के लिए बता रहा हूं कि एक कोल का भट्टी है, स्टीम इंजन बनता था ना, स्टीम इंजन में तुम लोगों ने देखा होगा मूवी में कोल डालते रहते हैं, कोई भी आदमी उसमें क्या डालते रहता है, कोल डालते रहता है। अरे याद है क्या? हाँ हाँ, तो कोल सर, हाँ क्यों सर, डाल, कोल क्यों डाल रहा था, कोल इसलिए डालता है कि जैसे ही उसका टेम्परेचर कम हुआ फटाक से कोल डालने लग गया, ताकि वो हीटअप होने लग जाए, और कोल हमेशा जलते रहता था, कम नहीं होने रहता था। तो काइंड ऑफ मैं एक हॉट रिजर्वर क्रिएट कर दिया, जब भी कम हुआ फटाक से तुमने डाल दिया, जब भी कम हुआ डाल दिया। तो कोई भी आइडियल चीज तो एग्जिस्ट नहीं करता है हमारे लाइफ में, लेकिन फिर भी मैं इसको आइडियल बनाने की कोशिश करूंगा कैलकुलेशन पर्पज के लिए, तो ऐसा ही होता है। तो मैंने इसको हॉट रिजर्वर से कनेक्ट करा, तो हॉट रिजर्वर से कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, हीट इसके अंदर जाएगा, तो इसने हीट को एब्जॉर्ब करा, और हीट एब्जॉर्ब करेगा तो अब क्या करेगा, ये तुरंत एक्सपांड करेगा, ये तो इसका एक्सपांशन स्टार्ट हो जाएगा, और ये धीरे धीरे एक्सपांड करने लगेगा। तो इस पिस्टन को मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ कि हाँ ये पिस्टन अब एक्सपांड कर गया, यहां तक आ गया एक्सपांड कर, और क्योंकि ये
एक्सपांड किया है, पिस्टन ऐसे हो गया, तो ये डंडा भी ऐसे हो जाएगा, ये जो रॉड है वो ऐसे हो जाएगा, और जो व्हील है ये रोटेट कर जाएगा। अब फिगर भी आइडियल नहीं बन रहा है, बस अज्यूम कर लेना ये रोटेट कर गया, रॉड लगा हुआ था तो, और गैस एक्सपांड कर गया। ठीक है, तो ये तुमने क्या करा दिया, आइसोथर्मल एक्सपांशन। आइसोथर्मल एक्सपांशन कैसे हुआ, क्यों हुआ आइसोथर्मल, बोलो जरा सा, क्योंकि तुमने टीएच को कांस्टेंट करके रखा है और एक्सपांशन हो रहा है, तो ये आइसोथर्मल एक्सपांशन हो गया। अब मैंने क्या करा, नीचे जो है एक अलग सा एडियाबेटिक वॉल चिपका दिया मैंने इस जगह पे। एडियाबेटिक वॉल का मतलब क्या होता है, हीट को ना ही वो एक्सचेंज, मतलब ना ही हीट को वो सप्लाई करेगा देगा, ना ही ना लेगा वो, तो हीट एक्सचेंज बंद हो गया, तो इसको मैंने इंसुलेट कर दिया, मतलब एडियाबेटिक वॉल। तो अब इसका नेक्स्ट क्या होगा, फिर से एडियाबेटिक एक्सपांशन। ठीक है, तो इसका एडियाबेटिक एक्सपांशन हुआ और ये कुछ ऐसा हो जाएगा, एक मिनट। तो ये हो गया हमारा एडियाबेटिक एक्सपांशन, और अब ये एक्सपांड कर गया है, तो पिस्टन ऊपर मूव कर गया, साथ ही साथ ये जो व्हील था वो रोटेट कर गया, और रोटेट करके कैसा हो जाएगा, ऐसा। तो ये यहां पे पहुंच जाएगा, और ये अब कंप्लीट एक्सपांड कर चुका है, जितना एक्सपांशन होना चाहिए था वो एक्सपांड कर गया। अब मुझे इसको क्या करना है, रिवर्स करना है और इसको वापस से कंप्रेस करना है, तो इस जगह पे ये जो प्रोसेस हुआ ये एडियाबेटिक एक्सपांशन हुआ, अब इसको कंप्रेस करना है मुझे, तो नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, कंप्रेशन। तो कंप्रेशन कैसे करेंगे, अगर मैं किसी भी चीज से हीट को निकालने लगू तो वो कंप्रेस होने लग जाता है, समझ में आया क्या। तो इसीलिए मैंने इसमें क्या करा, कोल्ड रिजर्वर लगाया, मैंने क्या करा इस जगह पे वापस से एक कोल्ड रिजर्वर लगाया, कोल्ड रिजर्वर जिसका टेम्परेचर टीसी है। अब क्योंकि इसका टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा कम है तो हीट क्या करेगा, ये इस तरफ खींचेगा, और अगर ये हीट खींचेगा तो धीरे धीरे ये कूल डाउन होगा, और कूल डाउन होगा तो इसका वॉल्यूम कम होने लगेगा, बराबर। तो ये क्या करेगा, धीरे धीरे करके कंप्रेस होना स्टार्ट होगा, और पिस्टन अब वापस से कंप्रेस होकर थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, और ये व्हील अब रोटेट कर गया। ये ऐसा, और गैस क्योंकि कंप्रेस हो चुका है, तो इसका कंप्रेशन कैसा हुआ, तुमने कोल्ड रिजर्वर लगाया तो टेम्परेचर जो है वो तो टीसी कांस्टेंट रहा, वो तो चेंज हुआ नहीं, तो इसे मैं बोलूंगा आइसोथर्मल कंप्रेशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन। वापस से मुझे एक बार और इसको कंप्रेस करना है ताकि वो अपने इनिशियल स्टेट पे आ जाए, और एक बार इनिशियल स्टेट पे आ जाएगा तो फिर से वो क्या करेगा, अब अपने प्रोसेस को रिपीट करेगा। तो मैंने वापस से इस जगह पे इसको कंप्रेस कराया। अब कंप्रेस कराना है तो कौन से प्रोसेस के थ्रू इसको कंप्रेस कराऊं, बोलो। बोलो अब क्या करना चाहिए, लास्ट एडियाबेटिक है ना, एडियाबेटिक कंप्रेशन करना चाहिए। तो वापस से
ये व्हील इस इनिशियल पोजीशन पे आ गया, और गैस अब हो चुका है कंप्रेस। तो इस जगह पे मुझे क्या लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये कंप्रेस होना है तो मुझे इस जगह पे यूज करना पड़ेगा एक इंसुलेशन, है ना, या फिर एडियाबेटिक वॉल। तो एडियाबेटिक वॉल लगाया और इसका क्या हो गया, एडियाबेटिक कंप्रेशन। अब वापस से फिर क्या करो, तुम यहां पे वापस से लगा दो हॉट रिजर्वर, और हॉट रिजर्वर लग गया तो बेसिकली ये जो चीज है रिपीट हो गया। अब ये एक साइकिल में आ गया, है कि नहीं, ये एक साइकिल में आ गया। अब ये अपने आप को रिपीट करते रहेगा, रिपीट करते रहेगा, रिपीट करते रहेगा। तो बेसिकली जो पिस्टन वगैरह होता है ना उसके अंदर लगा हुआ होता है, कोई भी मोटर बाइक वगैरह हो या फिर कोई इंजन हो तो उसके अंदर यही मैकेनिज्म होता है, और इस तरीके से ये वर्क करते रहता है। और भी इसमें मैकेनिकल चीजें बहुत सारे होते हैं, गैस वगैरह बाहर निकलते हैं कैसे होते हैं, एग्जॉस्ट वगैरह होता है, वाल्व होता है, चार चार वाल्व लगता है उसमें, और पिस्टन लगे होते हैं, फिर अलग से पेट्रोल जाता है, पेट्रोल जाकर कंबशन करता है, अचानक से एक्सपांड करता है वो पिस्टन ऊपर जाता है, फिर कंप्रेस करके गैस को बाहर निकालते हैं, बहुत सारे चीज होते हैं। वो डिटेल्स में मैं नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वो एक अलग ही लेक्चर है। तो बेसिक बेसिक जो मैं बातें बताया वो ये चीज है कि कार्नोट साइकिल में ऐसा कुछ होने वाला है सर। लेकिन कार का जो एग्जॉस्ट रहता है उसमें से तो कंटिन्यूसली गैस बाहर आती रहती है, मतलब रुकती नहीं है, मतलब जैसे आफ्टर अगर तुम कोई चीज को गर्म करोगे, जैसे ऑयल था तुम्हारे पास, पेट्रोल था, उसको तुमने गर्म करा तो वो गैस में कन्वर्ट करा ना। लिक्विड जो चीज होता है उसका वॉल्यूम कम होता है, गैस में कन्वर्ट होने के बाद वॉल्यूम ज्यादा। तो जैसे ही वो वॉल्यूम एक्सपांड करा तो ऊपर लगा होता है वाल्व, वो तुरंत ऑन हो जाता है तो फट से बाहर निकल जाता है, बराबर। और ये जो पिस्टन अप एंड डाउन करते रहता है इतने फास्ट करता है कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। तुम कभी इसका वीडियो देख लेना, नहीं होगा तो मैं यूट्यूब से वीडियो निकाल करके तुम्हें दिखाऊंगा। मतलब एक सेकंड में तो कम से कम 50 बार कर जाता होगा ये अप एंड डाउन, इतनी फ्रिक्वेंसी होती है इसकी, फटाफट फटाफट होता है। तो इसीलिए तुम्हें पता नहीं चलता है कि हाँ गैस थोड़ा टाइम के बाद निकलना चाहिए, ऐसा नहीं, फटाफट निकलते जाएगा हर एक चीज। जितना फास्ट इंजन काम करेगा उतना जल्दी निकलेगा। क्लियर है क्या सर? हाँ सर, हाँ बोलो सर। पहला वाले प्रोसेस के बाद जो आइसोथर्मल एक्सपांशन कैसे, बोला आइसोथर्मल कैसे होता है कि सर हीट तो दे रहे ना सर कंटिन्यूअसली, वाला पहला इसमें वो हॉट रिजर्वर से, पहला वाला ना? हाँ पहला वाला सर। अच्छा, अगर हीट दूंगा तो आइसोथर्मल नहीं बोल सकते हैं? अच्छा पर टेम्परेचर कांस्टेंट कैसे होगा सर? हमने हॉट रिजर्वर लगा के रखा है ना, तभी तो टेम्परेचर कांस्टेंट हुआ। अच्छा, ओके ओके, उसका सर वो हॉट रिजर्वर भी सिस्टम के अंदर है ना? हॉट रिजर्वर, हाँ काइंड ऑफ, तो मान लो कि हॉट रिजर्वर सिस्टम के साथ कनेक्टेड है, वो स्विच कर सकता है, ठीक है। तो ये चीज हो गया। अब मैं इसका एक ग्राफ बनाऊंगा, पीवी कर्व बनाऊंगा इसमें और पीवी कर्व से देखूंगा प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम कि ये किस तरीके से काम कर रहा है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि दो प्रोसेस है, आइसोथर्मल, और आइसोथर्मल प्रोसेस जब हो रहा था उस समय दो टेम्परेचर पे काम किया, एक टीएच पे और एक टीसी पे, एक हॉट टेम्परेचर और एक कोल्ड टेम्परेचर। तो आइसोथर्मल का मैं कर्व बना लेता हूं दो, एक ये कर्व बना आइसोथर्मल का और दूसरा कर्व ये बना, ठीक है। तो ग्राफ थोड़ा सा देख लेना क्योंकि पेन टेबलेट पे बना रहा हूं तो ढंग से बनता नहीं इसका। ये हो गया, और मेरे पास दो प्रोसेस है, दो प्रोसेस कौन सा है, एडियाबेटिक, और एडियाबेटिक में भी दो काम हुआ। एक बार हीट लिया गया और एक बार हीट दिया गया। जब दिया गया था तो
तो पॉजिटिव लिया गया, और जब सिस्टम से हीट निकाला गया तो डेट हीट विल बी टेकन एज नेगेटिव। तो एडियाबेटिक प्रोसेस का भी मैं दो ग्राफ बनाऊंगा और दो ग्राफ ऐसा हो जाएगा। ऐसा ये बेसिकली ग्राफ ही ढंग से नहीं बन पाया। ऐसा है और ये ऐसा और ये ऐसा। तो देखो पहला वाला जो है इस जगह से इस जगह तक, इसका हाइयर टेम्परेचर होगा तो ये टीएच वाला ग्राफ हो गया, और दूसरा वाला जो है जो इस तरीके से गया ये टीसी वाला हो जाएगा कोल्ड टेम्परेचर। तो ये साइक्लिक प्रोसेस ऐसे बनेगा। समझ में आ रहा है क्या? अब इसी को मैं वापस से फ्रेज डायग्राम बना लेता हूं, प्रेशर वर्सेस कर्व वॉल्यूम का ऐसा। ऐसे रहेगा तो ये साइक्लिक प्रोसेस हो जाएगा हमारा। और इसमें से दो प्रोसेस ऐसे हैं जो कि आइसोथर्मल है और दो एडियाबेटिक है। तो ये दोनों कैसा है हमारा? आइसोथर्मल। और दो कैसा है? एडियाबेटिक, ये और ये। पहला वाला ही ज्यादा सही बना, ये ज्यादा सही बना है, इसमें अच्छे तरीके से तुम्हें समझ में आएगा। तो ये सारे पॉइंट्स है, ठीक है, इसको नेम कर लेते हैं ए बी सी एंड डी। तो प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम कर्व का एरिया क्या देता है हमें? वर्क, है ना। तो इसका एरिया जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा वर्क मिलेगा और उसकी एफिशिएंसी उतनी ज्यादा होगी। तो नेक्स्ट काम हमारा क्या है? इसका एफिशिएंसी निकालना, कि इसका एफिशिएंसी कितना होगा। तो उसके लिए पहले मुझे एफिशिएंसी पढ़ना पड़ेगा, एफिशिएंसी को हम लोग डिफाइन किस तरीके से करें, है ना, तभी तो हम लोग ये सारी चीज निकाल पाएंगे। तो नेक्स्ट लिखते हैं हम लोग एफिशिएंसी। सर ये मतलब लिख लें क्या? 5 मिनट सर प्लीज लिख लो। हाँ सर वो ऊपर कीजिए ना, फिर एकदम स्टार्टिंग से लिखना यहाँ से। नहीं सर वो डायग्राम्स जो आपने नीचे बनाए, नीचे नीचे सर। एक मिनट हाँ ये यहाँ से सर से ऊपर। हाँ सर बस ये। सर इंसुलेटर मतलब नॉन कंडक्टिंग ना? हाँ वही बोल रहा हूँ, जो हीट को
अलाउ ना करे इधर उधर जाने के लिए, मतलब इस तरफ से उस तरफ हीट को पास नहीं करने दे। और एडियाबेटिक भी मतलब वही होता है? हाँ, एडियाबेटिक वाल का भी मतलब हीट एक्सचेंज जीरो। नोट कर लिया सर, एक मिनट। हाँ सर, नीचे कीजिए। तो कार्नोट साइकिल ये जो है हमारा, इस कार्नोट साइकिल से हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो हमारा इंजन का एफिशिएंसी होगा वो मैक्सिमम मिलेगा, बस वो इतना सा बताता है। लेकिन ये फिजिबल है कि नहीं है, वो कितना रियलिस्टिक है, उसके बारे में नहीं बताता। लेकिन हमें सिस्टम को अलग तरीके से बनाना पड़ता है इस टाइप के चीजों को करने के लिए। तो अलग अलग तरह के इंजन्स वगैरह फिर बनाए जाते हैं। अभी के इंजन्स तो अलग ही कॉन्सेप्ट पे बनते हैं, फिर वो अलग अलग तरीकों से रन करते हैं। पहले कार्नोट साइकिल ही था और कार्नोट इंजन ही चलता था, जिससे कि हमारा एफिशिएंसी ज्यादा मिलता था और कम्बशन रेट। हाँ, अभी वाले घंटे या वो कार्नोट वाले, क्या बोल रहे हैं अभी वाले? मतलब एफिशिएंसी में अभी वाले ज्यादा एफिशिएंट है क्या? हाँ नहीं, एफिशिएंसी की बात नहीं हो रही है, मतलब अकॉर्डिंग टू नीड की बात हो रही है ना। तो सिस्टम ही चेंज कर दिया है हमने बेसिकली, तो इस तरीके से सिस्टम नहीं बन रहा है हमारा। एडियाबेटिक प्रोसेस, इस तरह के प्रोसेस, अब थोड़े डिफरेंट तरह के प्रोसेस वगैरह रन कर रहे हैं हम लोग। तो कार्नोट साइकिल पे जो जो भी बेस्ड होंगे इंजन, उसके लिए तो यही इफिशियंसी सबसे ज्यादा होगा। चलो अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो यहां तक हम लोगों ने देख लिया कि ये चीज, अब इफिशियंसी देखना है मुझे। पहले इफिशियंसी डिफाइन करेंगे, फिर ही मैं इसके हर एक चीज को बता सकता हूं। केमिस्ट्री में बताया गया होगा ये आई थिंक, तो कार्नोट साइकिल इंजन वगैरह। नहीं सर, नहीं बताया था। नहीं केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री में थर्मो नहीं हुआ है क्या? थर्मो हो गया नहीं हुआ है सर, पर नहीं एफिशिएंसी के मतलब कार्नोट के बारे में नहीं हुआ। अच्छा, कौन पढ़ा रहा है केमिस्ट्री तुम्हें? वीआर के मैम, आरडी के सर, आरएमआर सर, थाने वाले ब्रांच सर। कार्नोट से कल बट इतना एक्सप्लेन करके नहीं बताया था सर कुछ। तो देखो, मान लेते हैं एफिशिएंसी को समझने का एक सबसे सिंपल सा तरीका है। मान लो कि हमारे इंडिया में इलेक्शन हुआ,
और एक्स वाई जेड गवर्नमेंट है, या बीजेपी है या फिर कांग्रेस है, ठीक है। और मान लो कांग्रेस ने जीत गया, ठीक है, कांग्रेस जीत गया और उसने वादा किया कि मैं 100 करोड़ का सड़क बनाऊंगा, है ना, रोड बनाऊंगा, प्रोजेक्ट है। तो ये बीजेपी का सिस्टम या फिर कांग्रेस का सिस्टम है, ठीक है। और हमें अच्छे तरीके से पता है कि अगर कांग्रेस सिस्टम में हमने जो भी है 100 अमाउंट ऑफ या फिर 100 करोड़ का जो भी है रुपए दिया, तो उसमें से जो मुझे काम मिलेगा, आउटपुट मिलेगा, वो तो बिल्कुल कम ही मिलेगा, है ना। कितना, 40 करोड़ का काम होगा या फिर हो सकता है उससे भी कम हो, और बाकी सारा का सारा जो रुपए है वो जेब में जाने वाला है, ब्लैक मनी। मतलब वो हो गया वेस्ट, बराबर, वो हो गया वेस्ट। ये काइंड ऑफ ऐसा है मटेरियल या फिर एक ऐसा चीज है जिसको तुम एसेस नहीं कर सकते हो, वो ब्लॉक्ड हो गया है ना, उसको तुम यूज नहीं कर पा रहे हो। तो मैं बोल सकता हूं कि जो कांग्रेस सिस्टम था उसकी इफिशियंसी कितनी होगी, 40%, 40% इफिशियंसी है। ये गवर्नमेंट सिर्फ 40% काम करके देता है, 60% रुपए क्या कर लेता है, अपने जेब में रख लेता है ना। अब यहाँ पे मैं पार्शियल वगैरह नहीं हो रहा, बस एग्जांपल लिया, कोई बीजेपी को सपोर्ट करता हो, कोई कांग्रेस को सपोर्ट करता हो, मैं बस ऐसे एग्जांपल लिया हूँ, ठीक है, कोई एकदम भावक होने की जरूरत नहीं है इसमें। सारे बीजेपी सर पता लगा फोन करके गालियां दे रहे हैं, कौन बोला कौन बोला। चलो तो आगे बात करते हैं हम लोग। तो ये एफिशिएंसी एक सिंपल वे में हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, और इसी तरीके से हम लोग किसी भी इंजन का भी एफिशिएंसी बता सकते हैं। अगर उस इंजन में तुमने 100 जूल ऑफ एनर्जी दिया है, उसमें से अगर तुम्हें सिर्फ और सिर्फ 40 जूल ऑफ एनर्जी मिला, तो मैं इस इंजन या फिर इस सिस्टम का जो एफिशिएंसी बोलूंगा वो 40% होगा, है कि नहीं। एफिशिएंसी को हम लोग ईटा से डिफाइन करते हैं। तो मैं बोल सकता हूं कि ये जो आउटपुट है बेसिकली हमारा वर्क के फॉर्म में, और ये जो अमाउंट ऑफ 100 जूल दिया वो तुम्हारा क्या है, अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड या फिर हीट गिवन बोला जा सकता है। और हीट जो दिया गया वो हीट को मैं क्यू एच बोल लेता हूं, क्यों, क्योंकि जो हीट दिया जा रहा है वो हॉट रिजर्वर से ही दिया जा रहा है, और जो वर्क किया जा रहा है वो तो पिस्टन वर्क कर ही रहा है, और ये जो वेस्ट है दिस इज बेसिकली द एनर्जी डंप्ड, दिस इज बेसिकली एनर्जी डंप्ड इनटू द कोल्ड रिजर्वर। तो इसको मैं क्यू एच बोल लेता हूँ, दिस इज द एनर्जी डंप्ड, सॉरी क्यू सी बोल लेता हूँ, कोल्ड रिजर्वर है ना इस जगह पे, इस जगह पे तुमने क्या लगा के रखा था, हॉट रिजर्वर। और इस जगह पे तुमने बेसिकली क्या लगा, वेस्ट मटेरियल यहाँ पे डंप हो रहा है, तो ये है तुम्हारा कोल्ड रिजर्वर, कोल्ड रिजर्वर, इसका टेम्परेचर टीसी और इसका टेम्परेचर टीएच, और अमाउंट ऑफ एनर्जी क्यूएच दिया गया, और ये क्यूसी अमाउंट ऑफ एनर्जी, हाँ वो निकला, बोलो सर। मतलब ये जो वेस्ट हो रहा है मतलब वो रिजर्वर के पास जा रहा है ना, हाँ वो रिजर्वर के पास जा रहा है, ठीक है। वो कौन सा रिजर्वर है, कोल्ड रिजर्वर जो कि डंप हो रहा है, कोल्ड रिजर्वर, हाँ कोल्ड रिजर्वर। अब एफिशिएंसी की बात करता हूँ, एफिशिएंसी को हम लोग ईटा से डिफाइन करते हैं, और ये एफिशिएंसी अगर जनरल वर्ड में देखो तो तुम फटाफट बोल दोगे कि एफिशिएंसी क्या होगा, जो वर्क किया डिवाइडेड बाय जो एनर्जी हम लोगों ने दिया, आया ना, हाँ सर, हीट सप्लाइड। ये एफिशिएंसी एक सिंपल वे में हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर द एफिशिएंसी। अब दूसरा काम इसमें हम लोग ये कर सकते हैं कि एनर्जी के हिसाब से हम लोग इसमें ये बता सकते हैं कि क्यू एच क्यू सी और डब्ल्यू में क्या रिलेशन होगा, बोलो बता सकते हैं क्या,
अगर ये बोलू मैं डब्लू है, दिस इज डब्लू, दिस इज क्यू एच एंड दिस इज क्यू सी, तो तुम मुझे बताओ क्यू एच क्यू सी और डब्ल्यू में क्या रिलेशन है? एनर्जी कंजर्वेशन। तो एनर्जी कंजर्वेशन क्या बोलता है? एनर्जी कंजर्वेशन से हम लोग इक्वेशन निकाल सकते हैं दैट क्यू एच जो तुमने एनर्जी दिया वो बेसिकली इक्वल्स टू है क्यू सी प्लस ऑफ वर्क के बराबर। हाँ या ना? यस सर। है ना? तो ये फॉर्मूला क्या है? W डिवाइडेड बाय क्यू एच इज इफिशियंसी ईटा, और इफिशियंसी जो होगा वो जीरो से वन के बीच में होगा। वन कभी भी नहीं हो सकता है, वन से ऑलवेज छोटा होगा। तो ये हो गया क्यू एच इज इक्वल टू क्यू सी प्लस ऑफ W, ये एनर्जी कंजर्वेशन हम लोगों ने किया। अब मुझे क्या निकालना है? एफिशिएंसी का फॉर्मूला। तो ईटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहां से डब्ल्यू निकाल लो ना, डब्ल्यू इज इक्वल्स टू क्यू एच माइनस ऑफ क्यू सी, पुट कर लो यहाँ पे, हो जाएगा वन, सॉरी वन नहीं मतलब डब्ल्यू का वैल्यू, ये एफिशिएंसी यहाँ पे पुट करा मैं, डब्ल्यू डिवाइड बाई क्यू एच इज इक्वल टू डब्ल्यू का वैल्यू QH minus of QC divided by QH, और ये हो जाएगा 1 minus QC divided by QH। तो eta का वैल्यू निकल गया efficiency is equals to 1 minus QC divided by QH। ये फॉर्मूला तुम लोगों ने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, ये फॉर्मूला पढ़ा है ना? अरे बोलो, सुनाई दे रहा है क्या तुम लोग को? केमिस्ट्री में फॉर्मूला पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? पढ़ा है ना? तो ये हो गया एफिशिएंसी का फॉर्मूला। ये एफिशिएंसी का फॉर्मूला जो है वो जनरल फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला किसी भी चीज के लिए लग सकता है, चाहे वो कार्नोट साइकिल हो या ना हो, किसी के लिए भी ये जनरल फॉर्मूला लग सकता है। लेकिन अब मुझे कार्नोट साइकिल के लिए एफिशिएंसी का फॉर्मूला निकालना है, वो कितना होगा? तो वापस से ज्वाइन करो फिर करते हैं। एक मिनट ऊपर का दिखाइए ना, ज्वाइन करो वापस।